सावन के महीने में विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना। आज आपका मन कर गया है एक स्वाद चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, स्वाद चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, विशेष कामना के लिए 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या है। काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना भी, केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है, केवल स्पर्श। तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है, स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप तीन उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण।